नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी के मामले में इमरान खान समेत 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सत्ताधारी पार्टी पीएमएलएन के समर्थकों का कहना है कि मदीना में जो कुछ हुआ वो इमरान खान की पार्टी के इशारे पर हुआ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनुल्ला की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूर्व पीएम इमरान खान को मदीना में नारेबाजी केस में गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि इसी सप्ताह सऊदी के मदीना में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए थे। आरोप है कि पूर्व पीएम इमरान खान के इशारे पर ये नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि बीती शनिवार रात पाकिस्तान के फैसलाबाद में केस दर्ज कराया गया था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अध्यक्ष और पूर्व पीएम इमरान खान, उनकी सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी और पूर्व पीएम शहबाज गुल के पूर्व सलाहकार शेख रशीद, नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, लंदन में इमरान खान के करीबी सहयोग अनिल मुसर और साहिबजादा जहांगीर समेत 150 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।